हेलो दोस्तों, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आज मेरे फ्रेंड की शादी है, टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड की शादी में। मेरे साथ मेरे एक और फ्रेंड भी जो हैं वो कंपनी करेंगे। तो कमला रिजॉर्ट में ये शादी है, कमल रिजॉर्ट में, तो आधा घंटा मुझे लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो मैं अभी निकल रहा हूँ, शाम के तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। 7 बजे कार्ड पर लिखा था कि फंक्शन स्टार्ट है, लेकिन 7:30 बजे हम निकल रहे हैं। तो चलिए शादी में आपको जल्दी लिए चलते हैं और बताते हैं आपको किस फ्रेंड की शादी है। आप भी बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे कि किस फ्रेंड की शादी है। एक्चुअली जम्मू में बहुत कम शादियों में आप मैं जा पाता हूँ, लेकिन चलिए इस फ्रेंड की शादी में मैं आपको ले चलता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं। मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। तो कमल रिजॉर्ट हमने जाना है, लेकिन हमें कभी उस रिजॉर्ट में कभी पहले कभी गए नहीं हैं। तो अभी गूगल मैप की हमने हेल्प ली और दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस रह गया है, लेकिन अब एक्चुअली वही रिजॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ भटकेंगे इतनी रात को। तो देखते हैं, हमारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, तो हम आपको सीधा अब रिजॉर्ट में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम 7:30 बजे घर से निकले थे और अभी 8:30 और बज रहे हैं, 8:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा है। ये कमल रिजॉर्ट मिलने रहा है, गूगल मैप ने हमें गलत लिखाया। गूगल मैप पे हमने कमल रिजॉर्ट लिखा, उसने हमें कहीं जम्मू अखनूर हाईवे पे पहुंचा दिया। तो गूगल मैप 100% सही नहीं होता, क्योंकि कमल रिजॉर्ट नाम के बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और जिस रिजॉर्ट में हमने जाना था वो रिजॉर्ट कोई इतना बड़ा रिजॉर्ट नहीं है जिसने अपने आपको गूगल मैप पे अपडेट किया हो। तो उसने हमें किसी और कमल रिजॉर्ट पे पहुंचाया जो अखनूर हाईवे पे था। और मेरी फ्रेंड, मैंने उसको कहा था कि मुझे मैसेज करना जब जम्मू पहुंचेगी, उसने मुझे मैसेज नहीं किया। मैंने उसको बहुत सारे मैसेजेस किए, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि कहाँ। और मेरे दोस्त मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं और खज्जल हो रहे हैं, शादी ख़त्म भी हो जाएगी। मेरा मन तो था कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन भैया शादी है उसकी, मैं उसकी ख़त्म नहीं करना चाहता हूं उसकी एक्साइटमेंट। ये देखिए मेरे दोस्त पूछ रहे हैं लोगों को पूछ पूछ के हम अब पता कर रहे हैं कि कहां जाना है। लोगों को पूछ पूछ के हम पता कर रहे हैं कि हमने कहां जाना है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। तो देखिए, क्या पता हम फ्रस्ट्रेट होगी कि तू अभी तक नहीं पहुंचा, उसे लग रहा है कि मैं दारू पी रहा हूँ। तो हम आप शादी में पहुंचे ना पहुंचे कुछ पता नहीं, तो देखिए शादी में पहुंचते हैं कि नहीं, आपको पता दे देंगे। तो दोस्तों हम फाइनली कमल रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। अभी मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो रहा है, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तो फिलहाल सीधा अंदर ले चलते हैं आपको। अभी यहाँ पर अच्छा है, कोई लोग खाने में व्यस्त हैं, दूल्हा दुल्हन अभी पहुँचे नहीं हैं, लोग खाने में व्यस्त हैं। अच्छा, दूल्हा दुल्हन अंदर पहुँच चुके हैं, दूल्हा दुल्हन अंदर पहुँच चुके हैं, फोटोग्राफी भी हो चुकी है। तो मैं अंदर सीधा लेके चलता हूँ आपको। अंदर जो है वो बहुत म्यूज़िक चला हुआ है, इसलिए मैं अंदर बोल नहीं पाया कुछ। लोग खाने में व्यस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है डोली भी आ गई, जो मैंने ढोल रिकॉर्ड करना था वो भी नहीं हो पाया। मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं बहुत लेट शादी में पहुंचा। मुझे एक्चुअली खाने पीने का तो कोई शौक़ नहीं था, मुझे
जो है अपने फ्रेंड की शादी की कवरेज करनी थी, तो वो तो मैं कर पाया नहीं। तो मेरा मूड अभी बहुत ख़राब है, मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। मुझे लगता है फ़ोटोग्राफी भी सब होगी, अंदर कोई बैठा ही नहीं है, लोग बैठे ही नहीं हैं, सब खा रहे हैं बाहर। फ़ोटोग्राफी लोगों ने फ़ोटो भी खिंचा लिए, अब मुझे पता समझ ही नहीं आ रहा मैं यहाँ पर क्या करूँ। मूड बहुत ख़राब हो चुका है मेरा। तो चलिए फिर भी आपको दिखाते हैं अंदर और पूछते हैं कि अभी कितने लोगों ने जो है फ़ोटोग्राफी करनी है, क्या है, थोड़ी देर बाद पूछते हैं। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स एंजॉय करते हुए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये आलू टिक्की अच्छी है, आई लाइक इट। तो चलिए मैं भी प्लेट लाता हूँ और मैं भी खाना खाता हूँ। मैं मेरी फेवरेट लड़की को ढूंढ रहा हूँ। बड़ी लड़की नहीं, वो एक छोटी लड़की है। मैं यहाँ पर फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ किसके साथ। मैं यहाँ पर एक लड़की है जो मेरी बहुत फेवरेट है, वो एक्चुअली दुल्हन की जो है बांजी है, उसकी बहन की बेटी। तो वो मुझे मिल नहीं रही है, वो पत्नी का अंदर चली गई शायद से। मैं अंदर जाके उसे ढूंढता हूँ। खाना खाया? खाओ 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 आराम से, खाओ खाओ आराम से। ये देखो, ये देखो, वो कौन है? वो कौन है दीदिया? वो कौन है दीदिया? मोबाइल
तो दोस्तों मैं शादी से वापस आ गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे जो फ्रेंड की कार थी, मैंने उसके घर के अपने कार बार की थी। उसने बोला था कि मैं मेरी कार में चलो, तो मैं उसकी कार में गया था। तो मैं अब अपनी कार में बैठ चुका हूँ और मैं अब घर जा रहा हूँ। तो मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, उसकी वजह ये है कि शायद मुझे रिग्रेट हुआ कि मुझे शादी में नहीं जाना चाहिए था। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, लेकिन आई रिग्रेट कि मैं गया। लेकिन फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं अपने दोस्त की शादी में गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि अच्छा एक्सपीरियंस था शादी का, आप शादी की वीडियो देख पाओगे। लेकिन पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि मुझे शादी में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो जो हो गया बीत गया, अच्छा रहा। मैं 2022 पता नहीं बहुत 2022 की तो ये पहली शादी थी, लेकिन वैसे भी मैं जम्मू की मैं किसी भी शादी में एक्चुअली बहुत देर बाद गया हूँ। मैं शादियों में, मैं एक सोशल बंदा तो हूँ नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ। तो लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था शादी में, तो मैं गया शादी में, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो चलो घर पहुँचते आपसे मिलता हूँ। देखिए चांद भी पूरा निकला हुआ है, चंद्रमा भी आज मुझ पे मुस्कुरा रहा है। ये रात भीगी, मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, मैं घर पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मुझे आज एक बात रियलाइज़ हुई, एक्चुअली पता तो है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे एक बार फिर से एहसास हुआ कि ज़िंदगी में आप सिर्फ अकेले हैं, आपका कोई भी आपका कोई नहीं हो सकता। यू हैव टू सर्वाइव, यू आप अकेले आए हैं, आपको सर्वाइव अकेले करना है, और ऑब्वियसली है आपको अकेले जाना ही है। तो आप किसी पे, मेरी ये एडवाइस है आपको, एक्चुअली मैं एडवाइस देता नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की वजह से कह रहा हूँ। और वैसे भी आप इसको मान लेना, क्योंकि हर एक इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस से ही जीना चाहिए। मैं इसके बारे में कभी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। कल मैंने प्लान बनाया है कि मैं बागे बहुत जाऊँ और लाइटनिंग शो देखूँ, तो अगर मैं गया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। बाय बाय माई फ्रेंड्स, लव यू।